और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की सवाल खड़ा कर दिया है। इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुकी है, जहां उन्होंने इसका जिम्मेदार कांग्रेस की नीति और नेतृत्व को बताया है। वहीं नरेंद्र गिरी की मौत पर भी नकवी ने बात करते हुए दोनों दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा ये बात कही है। इन तमाम मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की है हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रियंका गांधी और राहुल पर निशाना साधते हुए कहा है कि इनको तजुर्बा तो है नहीं, इनके सलाहकार गुमराह कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस आज की तारीख में एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है जिसका जो है वो बाहर कोई मोल नहीं है और अंदर कोई भाव नहीं है। आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनी है तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की नीति और नेतृत्व को है। आज जिस तरह का अहंकार, जिस तरह की घमंड इस बुरी हालत में भी कांग्रेस के नेताओं के बीच में है, उसका नतीजा है कि आज कांग्रेस एक के बाद एक धराशाही होती जा रही है, उसकी गाड़ी पटरी से उतरती जा रही है। कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह जग जाहिर है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े कर, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि कांग्रेस जो है वो आज वेंटिलेटर पे है और उनका अहंकार एक्सीलेटर है, क्या कर सकते हैं आप। आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश से है। जिस तरीके से महंत जी का निधन हुआ है, लगातार मांग हो रही थी सीबीआई जांच की, योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, क्या आपको लगता है कि अब न्याय मिलेगा? जो भी गुनाहगार होगा वो बचेगा नहीं, कानून अपना काम कर रहा है और मुस्तैदी से कर रहा है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.